अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इस्तखार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिशियन। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक ट्रंकी ट्रे या लेडर को 90+45 एक ही जगह पे एक ही टाइम पे मार्किंग करके किस तरह बनाया जाता है 90+45। तो एक ही बार में उसकी मार्किंग करनी है और उसका बैंड बनाना है और आए भी पूरा पूरा। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि ये मार्किंग किस तरह करते हैं और इसकी कटिंग और बैंड किस तरह बनाते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक टंकी का पीस है और ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये देखें, अगर आपको वैसे समझ ना आई तो ये देखें, ये मैं एक 90 मार्क की हुई है, 90 से यहाँ से मैं 45, ठीक है, ये 45 प्लस ये 90 किस तरह एक ही टाइम में एक ही बार मार्किंग करके आप किस तरह पूरी पूरी बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप 90 बनाएं फिर कटिंग करें फिर आगे 45 बनाएं और उसको जो है ना वो जॉइन लगाएं। तो मैं आपको बताता हूं कि एक ही टाइम में आप किस तरह मार्किंग कर सकते हैं। ये मैं ऊपर कुछ मार्किंग लिखी हुई है, ये एग्जांपल के तौर पे हैं, आपने अपनी मार्किंग लिखनी है। जितना आपको बैंड चाहिए होगा, जितनी आपको ट्रंकी का साइज चाहिए होगा, आपने वो मार्किंग आपने करनी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरी ट्रंकी यहाँ से यहाँ तक ट्रंकी का बाहर वाली साइड आपने जब भी मार्किंग करनी है ना, मार्किंग जो है ना वो आपने ये वाला कोना है स्टार्टिंग से और यहाँ से जहाँ से हमारी ट्रंकी बेंड होनी है उसका जो बाहर वाला पॉइंट है ना, बाहर वाला किनारा है, वहाँ से आपने मार्किंग करनी है। ये आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप ये अंदर वाले किनारे से मार्किंग कर देंगे तो आपका ये जो है ना इस तरीके से आप बाद में बेंड बनाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसको पूरा पूरा बनाने के लिए आपको ट्रंकी का जो बाहर वाला किनारा होता है वहाँ से आपने मार्किंग वहाँ तक करनी होती है, सही है। तो ये 300 mm है, ये एग्जांपल के तौर पे है 300 mm। उसके बाद ट्रंकी का ये वाला किनारा बाहर वाला और 45 का जो पहला कट होगा, पहला किनारा होगा, वहाँ तक मुझे 300, ये भी मैंने 300 रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जो मैंने बैंड डालना है 45 का वो 150 mm है, सही है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसको पूरा पूरा आप किस तरह बेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 90 का पता होना चाहिए कि आपने बेंड 90 का जो बेंड है वो किस तरह डालना है। मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं। तो ये वाली वीडियो भी मैंने 2-3 बार डाल दी है, इस वीडियो से पहले भी ये वीडियो डाल चुका हूँ मैं, ये वाली 90। अगर आपने 90 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप 90 को बनाना सीखें, 90 वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप ये देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो 90 बनाने के लिए आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रंकी का साइज है वो कितना है। वो मेरे पास 50 mm है। तो 50 mm के लिए मैं मार्किंग कटिंग जो मार्किंग करूँगा वो कितनी करूँगा, 50 को आपने डिवाइड कर देना है 2.5 के साथ और इसका जो आंसर आएगा वो 20 होगा, 20 mm। तो इसकी जो मैं मार्किंग करूँगा वो 20 mm की होगी। उसके बाद जो है ना वो ये वाला जो मुझे साइज़ चाहिए वो 300 mm का चाहिए। तो उससे पहले आपने देखना है कि आपने दो कट जो लगाने हैं उसका जो ट्रैवलिंग पॉइंट है वो आपने कितना रखना है। ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला, इसको ट्रैवलिंग पॉइंट बोलते हैं, या दो कट्स के दरमियान जो फासला होता है वो कितना रखना है आपने, आपको ये पहले आपके माइंड में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 100 mm जी, ठीक है, 100 mm मैं इसका जो वाया है वो रखूँगा। आपने अपने हिसाब से रखना है, जितना ट्रंकी का ट्रे का साइज़ आपके पास बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा आप बड़ा रखें, मतलब आपने ट्रंकी के साइज़ से 1.5 गुना या 2 गुना बड़ा रखें तो ये अच्छा लगेगा। बाकी आपने अपने हिसाब से रखना है, जगह के हिसाब से, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जगह कितनी है। अगर जगह कम है तो आप इसको कम कर सकते हैं, जगह ज़्यादा है खुली है तो आप अपने हिसाब से उसको इसको जो है ना वो मूव कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये हो गया। इसको अब आपने क्या करना है, जो फार्मूला है इसको निकालने का फार्मूला वो ये है, जितना भी ये वाला आप रखेंगे उसको आपने 0.7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अभी मैंने रखा हुआ है ट्रैवलिंग पॉइंट जो है ना 100 रखा हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.7 के साथ और जो आंसर आएगा वो होगा जी 70। इस 70 के अंदर आपने ये जो ट्रंकी का साइज़ होगा आपके पास जितना भी है, मेरे पास 50 mm है, तो उसने उसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, इस तरह करके ये ऐड हो गया, ठीक है।
टंकी का साइज मेरे पास 50 है, आपने मैंने 50 लिख दिया, आपके पास 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, जितना भी होगा, 1000 होगा, 10000 होगा, तो आपने वो साइज जो है ना वो आपने ऐड कर देना है इसके अंदर, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा जी 120, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो 120 होगा। अब ये जो 120 है इसको आपने अपने माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 120, ये जो 300 mm है, ये जो वाली टंकी मेरी, मुझे 300 mm चाहिए, तो 300 में से ये जो 120 है वो माइनस कर लें, ठीक है जी। ये वाला इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मिस करते हैं, इस फार्मूला को अगर आप मिस करते हैं तो आपका बैंड जो है ना वो पूरा नहीं बनेगा, या तो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा या फिर किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये 120 आपने 300 में, जितना आपको टंकी का साइज चाहिए, जितना आपको बैंड का साइज चाहिए, उसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, वो तो आपका आंसर आएगा 180, ठीक है जी। 180 पे हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ये वाली 180 है, अब मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। 180 यहाँ से इस किनारे से मैं लूँगा 180, उसके बाद 20-20 की मार्किंग, ये वाला जो 20 निकला है ये मार्किंग का मैंने निकाला हुआ है, सही है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला 180 जो है ना वो ये निकलता है, मैं एलसीडी का यूज करता हूँ, 180 की पहली मार्किंग आ गई आपकी, ये मैं जो है ना वो बड़े वाली मार्किंग यूज करता हूँ, आपने ये बारीक ही यूज करनी है, मैं आपको क्योंकि समझाने के लिए ये मोटी मार्कर यूज कर रहा हूँ, मोमन ये फील्ड में ये वाली मार्किंग यूज नहीं करते क्योंकि ये वाजे नजर आती है बाद में, जो कि अच्छी नहीं लगती देखने में। तो ये वाली 20 आ गई और ये 20 आ गया, दो आपने 20-20 की मार्किंग कर दी, ठीक हो गया ये वाली। उसके बाद जो मेरा ट्रैवलिंग पॉइंट है वो कितना था, मैंने 100 रखा हुआ था, ये ले, यहाँ से एंड वाले किनारे से आपने 100 उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसके 20-20 की मार्किंग कर देनी है, जो 90 की दूसरी कट है उसकी आपने इस तरह मार्किंग कर देनी है, ये होगी जी। उसके बाद आता है जी आपने ये बैंड किस तरफ करना है, इसको इसको लेफ्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, अप लेके जाना है या डाउन लेके जाना है, ठीक है। अभी चूंकि मैंने ये नीचे वाली साइज लिया हुआ है तो इसका मतलब है मैं लेफ्ट या राइट लेके जाऊंगा, अगर मैंने इसको ऊपर या नीचे लेके जाना है तो फिर मैं ट्रंकी का ये किनारे का साइज लूंगा, सही है। ये तकरीबन 25 mm है तो फिर मैं इस 25 के हिसाब से मार्किंग करता है इसकी। अब चूंकि मैंने इसको लेफ्ट या राइट लेके जाना है तो मैं ये वाले जो नीचे वाला साइज है इसका ये यूज करूंगा, ये 50 mm है। तो आप ये देखें ये बन गया, इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगा, उसके बाद फिर जो है ना इसका 45 डालूंगा, ठीक है, इस तरफ। जिस तरफ भी आपने ट्रंकी को लेके जाना है, आपने जो वी की शेप है, कटिंग है आप बैंड की, आपने उस तरफ करनी है। अब चूंकि मैंने इसको इस तरफ लेके जाना राइट साइड पे, तो जो कटिंग है वो मैं इस साइड पे करूंगा, ये आपने याद रखना है। ये देखिए, ये इसको मैं उल्टा करूंगा, ये तो ये मेरी तरफ, ठीक है। आपने इसको वी की शेप बना देनी है, जो सेंटर वाला लाइन है इसको आपने इसके साथ इस तरह मिला देना, इसको भी आपने इस तरह मिला देना, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है, इसको मैं इन किनारों पर भी थोड़ी सी हल्की सी कर देता हूँ मार्किंग, ये वाली और ये वाली भी सेंटर वाली लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस साइड पर आप सेंटर वाली लगा लें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो, ठीक है। इधर भी सेंटर वाली, ये भी मैंने सेंटर वाली लगा ली, ये देखिए आपको अगर नज़र आ रहा था, ये सेंटर वाली मैंने लगा ली, इधर आप बाहर वाली दोनों लगा लें, आप तीनों भी लगा सकते हैं, आपके पास बारीक है मार्किंग, तो मैं तो टाइम जो है ना वो बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये हो, ये मेरी होगी 90 की मार्किंग, यहाँ तक मेरी मार्किंग 90 की है, या वो ये हो चुकी है। उसके बाद मैंने बनाना है जी 45 मुझे चाहिए यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक 300 mm, सो 300 mm की मैं करूँगा
मार्किंग 45 के लिए, तो इसके लिए आपने फिर वही फार्मूला यूज करना है। ये जो बी 120 mm हमने निकाला था, ये वाला 120 mm, ये वाला, ये आपने जो इतना भी आपका एरिया होगा, वाया होगा, उससे आपने माइनस कर देना है। ये मेरे पास 300 है, 300 मैं माइनस कर दूंगा 120, तो इसका भी 180 आ जाएगा। आपके पास जितना भी वाया होगा आपने उतना रखना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे, आसानी के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। 180, तो यहाँ से आपने 180 उठाना है, फिर 180 ये बनता है, ठीक है। ये 45 का पहला कट होगा 180 पे, 180 ये बनता है, ठीक है। 180 ये 45 की पहली कट आ जाएगी। उसके बाद आपने फिर वही जो है ना वो 20-20 की मार्किंग कर देनी है, ये 20 और ये 20, ठीक हो गया। ये 20-20 की मार्किंग है भाई। उसके बाद जो आगे है हमारा, हमारा जो ये वाला एरिया है, यहाँ थे जहाँ तक अब हमने मूव करना है, वो 150 है। तो ये 45 का फार्मूला निकालने के लिए 150 को, 150 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.41414 के साथ, तो ठीक है। जो इसका आंसर आएगा वो आपने यहाँ से आगे मार्किंग कर देनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा जी 212 तकरीबन, ठीक है। अब हमने, आपने क्या करना है, मेरे पास ये जगह कम है, आपको अगर नज़र आ रहा है तो 212 ये सेंटर है, यहाँ पे आपने सेंटर लेना है। जब भी आपने 45 डालनी है और आपने फार्मूला लगाना है 1.414 का, तो आपने सेंटर से उठाना है इसको। सेंटर अगली मार्किंग का स्टार्ट होगा, ये सेंटर से आपने 212 उठा लेना है, यहाँ से 210 और ये 12 आ गया, ठीक है। 212 पे आपने ये, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो 212 पे ये वाली मार्किंग मैंने कर दी है, ठीक है। मैं मोटी मार्कर यूज़ करता हूँ, ये हो गया जी, ठीक हो गया। उसके आगे आपने फिर 20-20 की मार्किंग कर देनी है, ठीक हो गया। ये आगे मार्किंग है 20-20 की, ये 90 के लिए है, ये 45 के लिए है। अब आपने देखना है कि आपने मूव किस तरफ करवाना है, 45 को राइट करवाना है, लेफ्ट करवाना है, ठीक है। उसी हिसाब से आप इसकी मार्किंग करेंगे। जो टंकी है, जो 90 है, वो इस साइड पे मूव करेगी, मतलब ऐसे आके, तो फिर इसको मैं लेफ्ट करवा देता हूँ। लेफ्ट साइड का मतलब है कि इस साइड पे आएगी, तो यहाँ पर मैं इसकी सेम जो वी है वो इस साइड, ये एक आ गई, और दूसरी वी आपने इसकी उल्टी रखनी है, 45 की हमेशा उल्टी वी रखनी है, ठीक है। ये पहले इधर को मूव होगी, बाद में ऐसे आ जाएगी ये वाली कटिंग, ये देखें, पहले ये इधर कट बना हुआ है, ऐसे आएगी, अब इसका कट इधर है तो ये उस तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। इसकी कटिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 90 की, यहाँ से आपने कटिंग करनी है ये वाली यहाँ तक, और ये वाला किनारा आपने उतार देना है, सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला किनारा जो आपने उतार देना है, तो इसका भी सेम वैसे ही होगा। आपने ये वाला किनारा उतार देना है और ये वाली कटिंग कर देनी है, इसका भी सेम वैसे ही, ये वाला किनारा आपने उतार देना है और ये वाली आपका कान बन जाएगा। मैं अभी आपको कटिंग करके दे रहा हूँ।
ये लेकिन हमारी कटिंग हो चुकी है, मैं अब इसको बन लेता हूँ। अब मैं इसको जो है ना वो स्क्रू लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह। बल्कि पहले मैं आपको नुमाइश करके दिखाता हूँ कि ये पूरा भी है या नहीं है। ये हमारी जो नाइटी थी, ये दीवार से यहाँ तक, ये देखिए आपको 300 नजर आ रहा होगा। ये अभी विदाउट स्क्रू है, मैंने स्क्रू नहीं लगाए। स्क्रू लगाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ आ जाएगा कि पूरा है या नहीं है। ये 300 है, 90 इधर से इधर तक, और यहाँ से यहाँ तक थी, ये भी 300 थी। ये वाली, ये देखिए जो दीवार पर आपको नजर आ रही होगी, ये 300 है। ये भी यहाँ से यहाँ तक 300 है। इधर ये देखिए सही है, यहाँ से यहाँ तक 300। उसके बाद ये जो है ना, ये देखिए ये 150 में रखा हुआ था, इसको लगाऊंगा तो ये यहाँ तक, ये भी 150 बनता है। ये देखें, ठीक हो गया। ये मैं आपको अब स्क्रू लगा के दिखाता हूँ। इसको ले जी फ्रेंड्स, मेरे स्क्रू लग चुके हैं। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि ये पूरा भी स्क्रू लगता है। ये देखें, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, नीचे टेप को ये ऐसे रख दिया ताकि आपको सीधा फरमाइश लेने में आसानी हो। ये देखें बिल्कुल 300 पे है, ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा, ये भी आप ऐसे ही रख सकते हैं। इधर मेरा हैंड थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, आप इसको यहाँ पे रखें, और ये वाला पहला किनारा है जो आप ये देखें 300 पे, पूरा 300 गया, ठीक है। तो उसके बाद ये 45 मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी 45 GB जो है ना, वो इसको आप इसी तरह ऐसे रखेंगे। एल स्केल को यहाँ पे बड़ी चीज़ रख लें, 150 के मैंने आपको बताया था। ये देखें 150 mm पूरा है। तो इस तरह आप किसी भी ट्रंकी का, ट्रे का, लेकर का जो है ना वो बैंड बना सकते हैं एक ही दफ़ा मार्किंग करके, है 90 + 45। एक ही दफ़ा आप मार्किंग करके इसी तरह इसी फार्मूले से किसी भी साइज़ का आप जो है ना वो बैंड बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को फिर भी समझ नहीं आई तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।